और बाल हट के सामने आमतौर पर सभी को घुटने टेकने पड़ते हैं और यही बाल हट आज छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्वच्छता अभियान में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जिले में स्वच्छता के नन्हे सिपाही गांव-गांव घूमकर लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला जिले में आजकल बालहट के किस्से मशहूर हैं। जिले के बटरोही इलाके में नन्हे मुन्ने स्वच्छता प्रहरी घूम रहे हैं। प्रहरी गांव-गांव जाकर लोगों से साफ सफाई रखने और शौचालय बनाने की अपील करते हैं। जो तैयार नहीं होते उन्हें अपनी जिद से मनाते हैं। शौचालय बनाने के लिए समझाते हैं गांव वाले को और शौचालय बनाने के लिए बोलते हैं। बटरोही में बच्चों को प्यार से छौवा कहा जाता है। स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां छौवा टोली का गठन किया गया जिसमें छात्र छात्राएं दोनों शामिल हुए। छौवा टोली रोजाना 7:30 बजे से ग्रामीणों के घरों में जाकर स्वच्छता के गीत गाती है। स्थानीय बोली में तैयार इस गीत के जरिए छौवा टोली के सदस्य लोगों से शौचालय निर्माण और उसके उपयोग के बारे में बातें करते हैं। छौवा टोली एक बच्चों की टोली है जो स्कूल के बाद या छुट्टी के दिन अपने गांव के उन घरों में जाती है जहां शौचालय नहीं बना है और उनसे निवेदन करती है कि शौचालय बनाए। सबसे बढ़िया प्रभाव तो इसका ये देखने को मिला कि कम से कम उन्होंने अपने घर में तो बाल हट के चलते शौचालय बना ही लिया और कह जगह ये भी देखने में आ रहा है कि कई पंचायत प्रतिनिधि भी इससे प्रभावित होकर के शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। छौवा टोली का अभियान रंग दिखाने लगा है। पहले इस क्षेत्र के घरों में शौचालय नहीं था। परिवार के लोग शौच के लिए खुले में जाते थे लेकिन जब घर वालों को खुले में शौच से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया तो वे शौचालय निर्माण के लिए सहमत हुए। स्वच्छता के नन्हे सिपाहियों ने इलाके में बदलाव की एक नई बयार बहा दी है। उनकी हट या कहें कि जिद रंग ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।